दोस्तों जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में तो लोग अपना वर्क घर से कर रहे हैं, स्टूडेंट भी अपनी स्टडी को घर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में से सात कमाल की वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन सात वेबसाइट का यूज़ करके कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अपनी कोर्स तो कम्प्लीट करेगा ही, साथ में कोडिंग स्किल्स को भी अच्छी कर सकता है। इन सारे वेबसाइट पे पांच इंग्लिश कंटेंट वेबसाइट है, जिसमें कि आपको सारे कंटेंट इंग्लिश में मिलेंगे और जो हिंदी कंटेंट होते हैं जिसमें आपको सारे कंटेंट हिंदी में मिलेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन। तो हाय गाइस, आपका स्वागत है टेक्नो ब्यूटी चैनल में, मैं आपके साथ हूं कृष्णा सिंह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। इस चैनल पर आगे बहुत ही कमाल के और हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं। दोस्तों आ चुके हैं गूगल पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट को। सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ गिग्स फॉर गिग्स, तो ये ओपन हो गया। और इसको फर्स्ट लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन होगा गिग्स फॉर गिग्स का इंटरफेस। जैसे आप देख सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स का इंटरफेस ओपन हो चुका है, और इसमें जो चैलेंज चल रहा है बहुत सारे देख सकते हैं हमें, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम चैलेंज है, मस्ट कोडिंग क्वेश्चन हैं, बहुत सारे चैलेंज। इससे हमें कुछ लेना नहीं, हमें जाना है इन पर कॉर्नर में मेन्यू बार पर क्लिक करना है। यही बार हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा होम एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, लैंग्वेजेस, इंटरव्यू, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। फिर हम लैंग्वेजेस क्लिक करेंगे, लैंग्वेज क्लिक करने के बाद अगर देखेंगे सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, प्रोग्राम ऑफिस, बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू से भी रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाएंगे, तो इंटरव्यू आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें है। उसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है, जी का मंथ है, प्लेसमेंट कोर्स, प्रोजेक्ट, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरियर, इंटर्नशिप, स्कूल प्रोग्रामिंग। तो हम चलते हैं अपने मेन इंटरफेस पर। मेन इंटरफेस पे हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मस्ट कोडिंग एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि मीडियम हार्ड, हर टाइप के यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। जिस फर्क इसमें सबसे अच्छी ये है कि हम लोग बिना किसी सॉफ्टवेयर के हर हार्डवेयर की कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमको एरे, पॉइंटर, जो भी कोडिंग करनी होती है, लूप्स वगैरह सब चीज़, मतलब पूरा किसी भी लैंग्वेज का सब चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। जिस पर जिसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमको आगे और कुछ भी पढ़ना है तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो ये है जिस पर जिस साथ के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, जो कि है ट्यूटोरियल्स पॉइंट। चलिए सर्च कर ओपन करते हैं ट्यूटोरियल पॉइंट्स को, पहले मैं इसे बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट ओपन हो गया। ट्यूटोरियल पॉइंट फर्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा ट्यूटोरियल पॉइंट का। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे पेड कोर्सेज ओपन हो रखा है। तो ट्यूटोरियल साइट दोस्तों, अगर ट्यूटोरियल साइट को क्लिक कर देंगे तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे, और नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस साइंस देखें, मतलब टेट का सब्जेक्ट का कोर्सेज है, तो यहाँ पे आपको हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करके देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिक करें जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डिटेल ओपन हो चुका है। जैसे देख सकते हैं पूरा कोर्स ओपन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे थिएटर कुछ भी चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे ट्यूटोरियल सबसे दिक्कत दीजिए कि आप किसी चीज़ का वीडियो नहीं देख सकते फ्री में, वीडियो के लिए आपको पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता पैसे देने की कोई ज़रूरत है। और अगर हम यहाँ पे व्यू आर पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो सारे कोर्सेज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है,
ओपन हो चुके हैं ट्यूटोरियल पॉइंट पे। जैसे रही बात ट्यूटोरियल पॉइंट की, तो वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सब कुछ आपको मिल जाता है ट्यूटोरियल पॉइंट पे, एपीआई पे सारी चीज़ें। तो मेरे पेज बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे अगर पेड कोर्सेज भी चाहिए तो अच्छे पेड कोर्सेज मिल जाते हैं, बट हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो आई जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट का, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट जो की है हमारे पास जावा टी पॉइंट। सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ जावा टी पॉइंट। अगर हम जावा टी पॉइंट को सर्च करते हैं, जिसमें फर्स्ट लिंक इसको ओपन करते हैं, जावा टी पॉइंट का देखेंगे इंटरफेस बहुत ईजी है। अगर आप ट्विटर पॉइंट कंपेयर करें तो इसका इंटरफेस मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। यहाँ पे ऊपर ही सब कुछ सारे ट्यूटोरियल्स आपको देखने मिल जाएंगे, कौन कौन से ट्यूटोरियल्स हैं इस वेबसाइट पे। तो अगर हम इस वेबसाइट पे कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो बड़ी ईजी देख सकते हैं। जैसे कि अगर चाहें तो एंड्रॉइड, एस क्यू एल, डी बी एम एस, कुछ भी हम डी बी एम एस का ओपन करके देखते हैं। डी बी एम एस लिखा तो आप देखेंगे पूरा साइट में डी बी एम एस का कंटेंट, इधर पूरा जो भी है पूरा डी बी एम एस का सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इस वेबसाइट का नाम जावा टी पॉइंट है। तो अगर हम जावा ओपन करके इसमें देखें तो जावा का कंटेंट है, साथ में इसे जावा कोडिंग करने के लिए भी है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें और इसमें देखिए एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसे हम बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए अपने कंप्यूटर में जावा कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल्स में से जावा की नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा हुआ है। तो अगर इस कोड को हमको रन करना है तो नीचे स्लाइड करके जाना होगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कंपाइल एंड रन का। तो जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका आउटपुट ओपन हो जाएगा। आउटपुट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है कंपाइलर का नाम, रन बाय सब लिखा हुआ है, जो मेन प्रोग्राम का आउटपुट है वो जावा हेलो जावा टी पॉइंट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे चाहें हेलो जावा टी पॉइंट लिखा हुआ द टेक्नोलॉजी लिखना चाहें तो हम जाएंगे यहाँ पे और इसे मिटा के जो हेलो हेलो जावा टी पॉइंट लिखा हुआ है इसे मिटा के यहाँ पे लिख देंगे द टेक्नोलॉजी। तो लिख देते हैं द टेक्नोलॉजी। जैसे द टेक्नोलॉजी लिख के तो इसके बाद अगर कंपाइल एंड रन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा द टेक्नोवेब, आगे सब कुछ सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है द टेक्नोवेब। तो यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख के रन करवा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंटरफेस है जावा की प्रैक्टिस के लिए। तो ये रही पूरी वेबसाइट जावा टी पॉइंट। यहाँ पे क्यूज भी आपको मिलेंगे, अगर क्यूज पे आप क्लिक कर जाते हैं प्रैक्टिस क्यूज, ऑनलाइन टेस्ट कुछ भी, तो ये सब आप अपने से करके ट्राई कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट वेबसाइट हमारे पास है W3 Schools। W3 Schools जो वेबसाइट बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है। मैं तो कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप W3 Schools से ही पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर W3 Skills का इंटरफेस ओपन हो चुका है, इस पर आप देख सकते हैं कि जितने ट्यूटोरियल्स हैं उसमें अवेलेबल हैं। मैक्सिमम वेब डेवलपमेंट के ही ट्यूटोरियल्स इस पर हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तो कम है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, अगर तो आप सर्टिफिकेट भी पाना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा इंटरफेस उसका, इस पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या सर्विसेज मिलती है W3 Schools पे। और इस पर इससे भी जावा टी पॉइंट की तरह खुद से प्रैक्टिस के लिए कोडिंग इंटरफेस है। तो अगर हम उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे कोड है, और ये देखिए यहाँ पे कोड, तो आप अपने से ट्राई करिएगा सीख के खुद से कोडिंग करने का। आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आप यहाँ पे कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे चीज़ें हैं इस पर भी कीज मिल जाएंगे, HTML, CSS, JavaScript, SQL, C++, बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज करने के लिए प्रैक्टिस, आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस यहाँ से अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपका HTML सारे, देखते हैं HTML सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेस्टर्न क्लिक करते हैं HTML सर्टिफिकेट पे, यहाँ पे देखिए एक ओपन हुआ विंडो, तो इसमें देखेंगे, देखिए HTML सर्टिफिकेट के लिए $95 लगते हैं। $95 मीन्स अगर 95 × 70 अगर हम करते हैं तो नियरली 7000 का ये कोर्स है, अगर सर्टिफिकेट कोर्स हम करना चाहें, जो कि काफ़ी महंगा है, इतना महंगा। 7000 का कोर्स हम अगर सिर्फ हम HTML के लिए करें तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। सबसे अच्छा है कि हम 2-3 हज़ार का कोई भी ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन अदर जगह से, इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा, और फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ HTML के लिए आपको 7000 रुपये करने में, इससे अच्छा मैं कहूँगा आप सर्टिफिकेट यहाँ से लीजिए, लेकिन हाँ बिगिनर से यहाँ से स्टडी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मोर ऑप्शन है उसमें, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट पे। नेक्स्ट वेबसाइट बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, ये बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस हर एक पर्सन के यूज कर सकता है। यह यूडेमी, यूडेमी के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो यूडेमी मैं ओपन कर रहा हूँ। यूडेमी का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो रहा है, यहाँ पे ₹420 से कोर्सेज चले जाएंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे पेड और फ्री दोनों कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी वीडियो में। अगर आप चाहें तो वीडियो कोर्सेज परचेस भी कर सकते हैं, कुछ वीडियो कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। मेरे डिफरेंस ये है कि जो पेड वीडियो कोर्सेज होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं उनके होते हैं, और जो नॉर्मल या फिर जो बिगनर टीचर होते हैं उनके जो कोर्सेस हैं वो फ्री आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम डेवलपमेंट सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे, ₹420, ₹456, तो बहुत ही शानदार वेबसाइट है। वीडियो की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, अगर वीडियो कंटेंट की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे जाएँ कैटेगरी में, कैटेगरी में जाने वाला डेवलपमेंट में क्लिक करते हैं, डेवलपमेंट के अगर हम ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के लिए अगर हम कोर्सेज ओपन कर देखना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर तो पेड कोर्सेस रहेंगे, उसके बाद नीचे जगह फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर करने के में अगर हम यहाँ पे देखिए पेड के 273, फ्री के 44 कोर्सेस है, तो अगर हम फ्री पे क्लिक करते हैं तो वो फ्री के कोर्सेस अभी ओपन हो जाएंगे, तो उनको देखने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा फ्री कोर्सेस देखने के लिए। ये अभी पेड ही शो कर रहा है, जाकर फिर फिल्टर क्लिक करते हैं फ्री पे, तो हाँ आ चुके हैं फ्री कोर्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्री में कोर्सेज, यहाँ पे रेटिंग भी बहुत अच्छी है इन कोर्सेज की, 4.2, 4.3, जो काफ़ी बेटर। अगर आप कोर्सेज यहाँ से परचेस करना चाहें तो यूडेमी से पेड या फ्री कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स कोई भी करना चाहें तो यूडेमी से करें, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है तो आप यूडेमी से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कोर्सेस होते हैं। तो दोस्तों ये बात रही इंग्लिश कंटेंट वेबसाइट्स की, अब हम बात करेंगे हिंदी कंटेंट वेबसाइट्स की। हिंदी वेबसाइट्स की अगर हिंदी वेबसाइट्स की बात की जाए तो हमारे पास दो वेबसाइट हैं, जिसमें पहली है hindilearn.in। अगर hindilearn.in को हम ओपन करते हैं तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा इंटरफेस ओपन हो चुका है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। अगर हम इसमें जाते हैं नीचे तो हमें इसके कोर्सेस देखने को मिलेंगे, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस इस पर अवेलेबल हैं। ऊपर हम ट्यूटोरियल्स वगैरह क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल सी, सी प्लस प्लस, कोर जावा, पाइथन, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, बहुत सारे कोर्सेस, एसक्यूएल डेटाबेस में तो बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे यहाँ पे। और हिंदी में, हिंदी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत बहुत सारे कोर्सेज तो नहीं है कंप्यूटर, तो जो दूसरी वेबसाइट है हिंदी की, तो अगर उन दोनों को मिक्स करके अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट पढ़ता है तो वो अपने सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकता है। तो ये काफ़ी इजी वेबसाइट है। अगर हम इस पे सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग ओपन करके देखते हैं, इसके देखिए सारा जो भी कोर्स है पूरा ओपन हो चुका है। और उसको अगर हम क्लिक करते हैं, पहला इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का, देखिए हिंदी में पूरा इंट्रोडक्शन ओपन हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हम और आगे देखना चाहें इसमें, तो सेकेंड अगर हम ओपन करते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट अगर हम ओपन करें तो उसमें साइन इन पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछे, जवाब दे, कमाए, अच्छी वेबसाइट है। तो इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग, उसके आंसर दिए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, लोगों ने आंसर भी दिए हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है हिंदी स्टूडेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि हिंदी में वेबसाइट जल्दी मिलती नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए। सो ये रही आपके लिए हिंदी लर्न डॉट इन वेबसाइट। अगर हम चलते अपने नेक्स्ट हिंदी की वेबसाइट पे, जिसका नाम है ई हिंदी स्टडी डॉट कॉम। अगर हम सर्च करते हैं हिंदी स्टडी डॉट कॉम, तो पहले लिंक ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस ओपन होगा। ई हिंदी स्टडी का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए सामने ये सारे कोर्स दे रखे हैं, और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे मात्र 50 रुपये में, जो भी नोट्स इनके पास अवेलेबल होंगे उसमें आप जाके देख सकते हैं क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी कोर्सेज है, डीबीएमएस, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इंटरफेस तो कुछ खास नहीं है, बट कोर्सेस हैं इसमें हिंदी स्टूडेंट के लिए अच्छे कोर्सेस हैं इसमें। अगर हम क्या है तो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इन हिंदी हम देखते हैं इसमें। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन अगर हम ओपन करते हैं, तो इसमें उसका सारा जो कोर्स है पूरा ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम TCP/IP देखते हैं, TCP/IP का पूरा डिटेल देखिए इसमें ओपन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए पूरा फिगर वगैरह सब, सारी लेयर सब कुछ, सारा डिटेल इसमें ओपन हो चुका है TCP/IP का। तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी स्टूडेंट के लिए अगर हिंदी लर्न डॉट इन और हिंदी स्टडी डॉट कॉम दोनों वेबसाइट अगर मिला के अगर हिंदी के स्टूडेंट पढ़े तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर हम इसमें DBMS ओपन करें तो DBMS का भी पूरा कंटेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए DBMS का वीडियो भी इस पे है, तो अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, हिंदी में जितनी अच्छी वेबसाइट मिलती नहीं है जल्दी, तो दोस्तों इतनी अच्छी वेबसाइट मिली हिंदी में। यार हिंदी वाले कम से कम लाइक करो यार इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तो बहुत ही काम की वीडियोज आने वाली हैं आगे। दोस्तों कैसा लगा ये सात कमाल की वेबसाइट आपके लिए थी? और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।